हेलो फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड हिमांशु कर आज फिर एक न्यू वीडियो लेके आया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपना चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट से कंटिन्यू रखेंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रोपेंसिटी टू सेव। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक क्वेश्चन, जो भी मेरे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो फ्रेंड, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका दूसरा नाम होता है सेविंग फंक्शन। क्या होता है? सेविंग फंक्शन, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि सेविंग फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, प्रोपेंसिटी टू सेव। ओके, तो फ्रेंड सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई सेविंग फंक्शन होता क्या है। तो इसका जैसे कि भाई नाम ही क्या है, सेविंग फंक्शन। कहीं भी अगर फंक्शन आ गया तो उसके लिए मैंने आपको एक चीज बता रखी है। क्या थी वो? कि फंक्शन रिलेशन है किसके बीच में? किसी भी दो चीज के बीच में। फंक्शन रिलेशन किसके बीच में? दो चीज के बीच में। बस इतनी बात याद रखो। अब देखो भाई क्या है सेविंग फंक्शन की डेफिनेशन। सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। सेविंग फंक्शन क्या है भाई? फंक्शनल रिलेशनशिप है किस किस के बीच में? सेविंग और नेशनल इनकम के बीच में। सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। कुछ याद करना पड़ा? नहीं, बस ये याद कर लो, एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप किस किस के बीच में? नेशनल इनकम के बीच में। ओके, डेफिनेशन याद हो गई। अब बात करते हैं इसके हम शेड्यूल की, कि भाई शेड्यूल क्या होगा सेविंग फंक्शन का। तो देखो फ्रेंड्स, हमको पता है भाई जब बात किस किस की हो रही है, सेविंग की और इनकम की, तो ये दो कॉलम तो बनने ही है। बट एक बात और, तीसरा कॉलम किस चीज का बनेगा? एक फॉर्मूला होता है वाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। पढ़ा है हमने ये फॉर्मूला। भाई सीधी सी बात तो देखो, हमारी जो इनकम है उसको या तो हम कंज्यूम करेंगे या उसको सेव करेंगे, तो क्या हो गया? कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। तो ये एक कॉलम बन गया वाई का, एक कॉलम बन गया सी का, एक कॉलम बन गया एस का, तीन कॉलम रेडी हो गए, ठीक है। अब भाई इनकम हमको पता है क्या लेते हैं हम, जीरो से स्टार्ट करके हंड्रेड का गैप। याद करा रखा है मैंने आपको गाना, इनकम जीरो से स्टार्ट होकर हंड्रेड का गैप, देख सकते हो 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक है। कंजम्पशन 40 से स्टार्ट हो गए 80 का गैप, 40 से स्टार्ट हो गए 80 का गैप, ऐसे याद रखो। इनकम 0 से स्टार्ट हो गए 100 का गैप, कंजम्पशन 40 से स्टार्ट हो गए 80 का गैप, 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520, आप देख सकते हो सब में 80 का गैप है। तो दो कॉलम हमारे हो गए रेडी। क्या हो गए भाई? रेडी हो गए हमारे दो कॉलम। तो फ्रेंड सेविंग अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों भाई? हमारे पास फॉर्मूला है y is equal to c plus s। हमारी जो इनकम है वो किन दो चीज के इक्वल होगी? कंजम्पशन और सेविंग के इक्वल होगी। तो y कितनी है हमारी? 0। कंजम्पशन कितना है? 40। तो सेविंग कितनी हो गई भाई? माइनस 40 इज इक्वल टू सेविंग। ऐसे हम हर उसमें सेविंग को निकाल सकते हैं। तो हमारी सेविंग आ गई है माइनस 40, माइनस 20, 0, 20, 40, 60, 80, ठीक है। तो हमको भाई चाहिए क्या था? इनकम और सेविंग दोनों हमको मिल गई। इनकम और सेविंग दोनों हमें भी मिल चुकी हैं, ठीक है। तो आपका शेड्यूल तैयार हो गया। ये क्या लिखा था? फंक्शन रिलेशन बिटवीन इनकम और सेविंग। अब बात करते हैं इसके कर्व की, कि भाई इसका कर्व कैसे बनेगा। तो देखो फ्रेंड्स, अब सेविंग वाला जो कॉलम है उस पर लगा लो राइट, और इनकम वाले कॉलम पर राइट लगा लो। क्यों भाई? हमें पता लग जाए कि भाई हमें शेड्यूल किसका, सॉरी कर्व किसका बनाना है। तो देखो फ्रेंड्स, हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ करी, वाई एक्सिस ड्रॉ करी, यहाँ एक्स एक्सिस पर ले ली हमने इनकम और वाई एक्सिस पर ले ली सेविंग। इट इज क्लियर? तो चलते हैं आगे। तो भाई इनकम है और सेविंग है, तो मैंने सेविंग का कर्व ड्रॉ किया, तो उसके अंदर मैंने एक चीज नोटिस करी कि भाई ये जो सेविंग आ रही है नेगेटिव भी आ रही है, सेविंग नेगेटिव भी आ रही है। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? ये नेगेटिव y एक्सिस से, नेगेटिव y एक्सिस से मैंने इसको स्टार्ट किया और मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो मेरा कर्व भी ड्रॉ होके रेडी हो गया। अब इसके अंदर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो उनको हम एक एक करके समझेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व,
कि भाई सेविंग कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया ये नेगेटिव से स्टार्ट होता है, एस से, ऐसा समझो एस से स्टार्ट होगा नेगेटिव वाई एक्सिस से। क्यों भाई? देखो भाई ये जो है हमारा एस पॉइंट ये कहां पर है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे। वाई कितनी है भाई? जीरो। वाई कितनी है? जीरो। तो फ्रेंड कोई भी अगर इंसान है तो वो कुछ ना कुछ कंजम्पशन जरूर करेगा, चाहे उसका जीरो लेवल ऑफ इनकम ही क्यों ना हो। वाई हो गई जीरो, कंजम्पशन मान लो हमने कर दिया 40, तो सेविंग कितनी हुई इसकी? माइनस 40। मतलब उनने सेविंग में से जो उनने पहले सेव कर रखा था उसमें से खर्च कर दिया, उसमें से खर्च कर दिया, तो सेविंग क्या हो गई? कम हो गई। सेविंग क्या हो गई? कम हो गई, तो नेगेटिव से स्टार्ट हो गया। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन में हमने एक चीज पढ़ी थी कि भाई ये जो था हमारा सी जो स्टार्ट होता था 40 से उसको हम बोल देते थे सी बार। ठीक है, उसको बोल देते थे सी बार। तो इसके अंदर क्या बोलेंगे, ये जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हमारी सेविंग है इसको बोलेंगे माइनस का सी बार। और ये दोनों क्या है? इक्वल। जितना कंजम्पशन जीरो लेवल ऑफ इनकम पे होगी उतनी ही सेविंग माइनस में चली जाएगी, उतनी ही सेविंग माइनस में चली जाएगी, या फिर इसे देख लो माइनस एस बार सेविंग की वजह से। ठीक है, आपको समझने में आसानी रहेगी, माइनस एस बार सेविंग माइनस में। इट इज क्लियर? चलो तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। भाई स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। क्यों भाई? ऊपर की तरफ बढ़ रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब बात करते हैं इसके ब्रेक इवन पॉइंट की कि भाई इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। तो फ्रेंड ऐसे कंजम्पशन में तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था जहां पर y इक्वल हो जाएगा c के, लेकिन यहां पर होता है जब s इक्वल होगा 0 के। क्यों भाई? ये सिचुएशन कहां से आई कि s जब 0 के इक्वल होगा जब ही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा, जबकि कंजम्पशन फंक्शन में तो ये था भाई जब इनकम हमारी इक्वल होगी कंजम्पशन के जब ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे भाई एक फॉर्मूला है y is equal to c plus s, जब y और c इक्वल हो गए तो सेविंग तो जीरो रहेगी। सेविंग कितनी रहेगी? जीरो। y और c के इक्वल होने से ब्रेक इवन पॉइंट बन गया कंजम्पशन फंक्शन में। तो सेविंग में कब बनेगा? जब s जीरो के इक्वल होगा। ये देखो s जीरो आ रहा है और y और c इक्वल आ गए, तो सेविंग में कब ब्रेक इवन पॉइंट होगा? जब सेविंग जीरो हो जाएगी, जब सेविंग जीरो होगी तो ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। देख सकते हो ई पॉइंट इज द ब्रेक इवन पॉइंट बिकॉज या वेयर या हियर सेविंग इज जीरो। ठीक है, बिकॉज सेविंग इज जीरो, ओके, तो ब्रेक इवन पॉइंट था हमारा ई पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं भाई, पॉजिटिव सेविंग। सेविंग कैसी हो गई? पॉजिटिव सेविंग। पॉजिटिव मतलब ये देखो पॉजिटिव, ये भी आपको पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है भाई? सेविंग होना, सेव कर रहे हैं हम, हमारी जो इनकम थी उसको हमने कंज्यूम भी कर लिया और कुछ पार्ट हम उसका सेव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नेगेटिव सेविंग, मतलब हमने जो पहले सेव कर रखा था, हमने जो पहले से सेव कर रखा था उसमें से हम यूज कर रहे हैं, उसका कंजम्पशन कर रहे हैं एक तरह से, हम अपनी इनकम का कंजम्पशन नहीं कर रहे, उसको बोलेंगे हम डिस सेविंग। क्या बोलेंगे? डिस सेविंग, ओके। तो अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट्स बनाते रहना साथ के साथ, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, तो ये हो गया था हमारा भाई सेविंग फंक्शन ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स कि भाई प्रोपेंसिटी टू सेव के कितने टाइप्स हैं। तो फ्रेंड जैसे कि अब हमें बात करनी है टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, तो जैसे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के दो टाइप हैं, ऐसे ही प्रोपेंसिटी टू सेव के दो टाइप हैं। और नाम भी देखो कितने मैच कर रहे हैं। देखो फ्रेंड्स एक तरह से अगर देखा जाए तो उसका नाम क्या था? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका नाम क्या है? प्रोपेंसिटी टू सेव, बस इतना सा चेंज है। तो देखो उसका नाम था एबीसी, याद है उसका नाम एबीसी, क्यों भाई? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एपीएस, ये देखो एपीएस। ठीक है, और दूसरा का नाम था उसके अंदर एमपीसी, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एमपीएस मतलब प्रोपेंसिटी टू सेव। तो चेंज क्या करना है? सिर्फ सी और एस का, किसका चेंज करना है फ्रेंड्स? सी और एस का। तो क्या नाम बन गए? एपीएस और एमपीएस, दो टाइप्स हो गए। अब भाई एपीएस की फुल फॉर्म क्या है?
एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और एमपीएस की है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ओके, तो ये थे आपके दो टाइप, एपीएस और एमपीएस, ठीक है। तो इन दोनों को पढ़ेंगे एक एक करके कि भाई एपीएस क्या है और एमपीएस क्या है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं एपीएस की, मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। भाई रेशियो है सेविंग और इनकम का, रेशियो है सेविंग और इनकम का, याद करने की जरूरत नहीं है। देखो फॉर्मूला याद कर लो, APS is equal to S upon Y, APS is equal to S upon Y, तो क्या हो गया भाई, it refers to the ratio of saving and corresponding level of income, बात खत्म। और हमें definition भी याद हो गई, formula भी याद हो गया, ठीक है। तो बात करते हैं इसके schedule की, कि भाई schedule क्या होगा APS का। तो friend देखो, जब बात किस किस की कर रहे हैं, APS की, S की और Y की, तो इन तीन का ही schedule बनेगा। तो देखो भाई, income, saving और APS। इनकम हमको पता है भाई जीरो से स्टार्ट करके 100 का ज्ञान देते हैं। सेविंग अभी अभी कैलकुलेट करी थी हमने, इससे पहले भी हमने पढ़ा था प्रोपेंसिटी टू सेव, तो वही वाली सेविंग आ गई यहाँ पर। फिर एपीएस मैंने कैलकुलेट कर लिया, -40 अपॉन जीरो तो कुछ भी नहीं निकलेगी, -20 अपॉन 100 माइनस का 0.2, 0.200 जीरो, तो ये मैंने एपीएस कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब मैंने बना दिया इसका कर्व, ये कर्व तो फ्रेंड्स वही वाला है जो हमने प्रोपेंसिटी टू सेव में बनाया था, लेकिन इसके अंदर एक दो पॉइंट है जो मेरे को समझाने हैं, इसलिए मैंने दोबारा बनाया है। तो देखो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे एपीएस से रिलेटेड, अगर कोई क्वेश्चन आ गया थोड़ा बहुत घुमा के एपीएस का तो इजीली कर पाएंगे। तो देखो फ्रेंड्स एपीएस कैन नेवर बी वन और मोर देन वन, मतलब एपीएस कभी भी वन के इक्वल नहीं होगी और वन से ज्यादा नहीं होगी, एपीएस वन से ज्यादा नहीं होगी, इसका मतलब ये है। अब देखो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, एपीएस इक्वल टू वन का मतलब क्या हुआ, एपीएस इज इक्वल टू वन का मतलब क्या हुआ, एपीएस क्या होता है भाई, एस अपॉन वाई इज इक्वल टू वन, सेविंग इज इक्वल टू इनकम, इसका मतलब हो गया एपीएस इज इक्वल टू वन का मतलब हो गया सेविंग इज इक्वल टू वाई, सेविंग इक्वल है इनकम के। फ्रेंड्स इट इज पॉसिबल कि जितना हमने कमाया उतना हमने सेव कर दिया, नो no. क्योंकि फ्रेंड्स कंजम्पशन तो कुछ ना कुछ होता ही है, कंजम्पशन कुछ ना कुछ होगा, तो कभी भी सेविंग इनकम के इक्वल नहीं होगी, इसीलिए एपीएस कभी भी वन नहीं होगा। अब फ्रेंड्स सीधी बात है, देखो जब एपीएस वन ही नहीं हो सकता, एपीएस इक्वल टू वन ही नहीं हो सकता, तो एपीएस एक से ज्यादा कैसे हो जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल, एपीएस एक से ज्यादा भी नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब एपीएस ना तो वन के इक्वल होगा ना एपीएस एक से ज्यादा होगा, ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, एपीएस कैन बी जीरो, एपीएस जीरो हो सकता है क्या। अब देखो फ्रेंड इसका क्या मतलब है, इसे रन कर लूं चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चलो तो इसे रफ कर लेते हैं, एक ही पॉइंट समझेंगे, APS is APS can be zero. APS zero हो सकता है क्या? मतलब APS equal to zero. Saving upon Y is equal to zero. मतलब saving zero. Saving कितनी हो गई? Zero. तो friends it is possible. क्यों भाई? जितना मैंने कमाया उतना मैंने consumption पे खर्च कर लिया, तो saving zero हो सकता है। आप देख भी सकते हो saving zero है और APS भी zero आ रहा है। Okay clear? तो देखो. अब third point. APS कैन बी नेगेटिव और लेस देन वन, एपीएस नेगेटिव हो सकता है और एक से कम, हाँ भाई एपीएस नेगेटिव हो सकता है। आप सीधा साधा ये देख सकते हो इसका शेड्यूल, ये देखो ये रहा नेगेटिव और एक से कम तो होता ही है एपीएस, क्यों भाई जब एक भी नहीं हो सकता, अभी अभी पढ़ा था हमने एपीएस कैन नेवर बी वन, एक नहीं हो सकता लेकिन एक से कम तो हो सकता है। लेट एन एग्जाम्पल, मान लो मेरी इनकम 100 है और मैंने कंजम्पशन कर दिया 80, तो सेविंग कितनी हुई 20, सेविंग कितनी हुई 20, तो 20 अपॉन 100 आंसर क्या आएगा हमारा, अगर मैं इसका एपीएस निकालने लगूं तो क्या आंसर होगा, 100 को ये आ गया मेरा 0.2, तो एक से कम हो गई, ठीक है। एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन वन, थर्ड पॉइंट भी हो गया। अब फोर्थ पॉइंट, एपीएस राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम,
एपीएस बढ़ रहा है जब इनकम बढ़ रही है। बिल्कुल भाई, आप देख सकते हो हमारे एग्जांपल में, ये देखो नेगेटिव था इनकम 100, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव से फिर बढ़ा। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एपीएस भी, इनकम बढ़ी एपीएस बढ़ा। क्यों भाई? जैसे जैसे किसी इंसान की इनकम बढ़ने लगेगी वो वैसे वैसे सेव करने लगेगा, वैसे वैसे सेविंग उसकी ज्यादा हो जाएगी तो एपीएस बढ़ेगा। ओके, तो ये था आपका एपीएस, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया तो अब समझेंगे इसके बाद एमपीएस को। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं एमपीएस की कि भाई ये एमपीएस क्या है। तो देखो फ्रेंड्स, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन टोटल इनकम। हमने जैसे एमपीसी पढ़ा था उसमें क्या था, चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम, ऐसे ही इसमें क्या है, चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। बस एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा मतलब चेंज किसमें, सेविंग में और इनकम में। डेफिनेशन याद करने की जरूरत पड़ी नहीं, ठीक है? तो डेफिनेशन हमें याद हो गई, फॉर्मूला हमें याद हो गया। अब बात करते हैं इसके शेड्यूल की। तो फ्रेंड्स इनकम हमें पता है, सेविंग हमें पता है, ये हमने भी बनाई थी, ठीक है? बस इसके अंदर हमने क्या करा, डेल्टा एस डेल्टा वाई और एमपीएस का कॉलम ऐड कर दिया। तो देखो फ्रेंड्स, डेल्टा एस मतलब सेविंग में चेंज होना, मतलब सेविंग में चेंज होना। अब देखो फ्रेंड्स, क्या कभी भी चेंज नेगेटिव होगा? नहीं, ये बात ध्यान रख लो, चेंज कभी भी अगर कहीं भी चेंज आ जाए तो नेगेटिव नहीं होगा। इट इज क्लियर? तो देखो ऊपर कुछ है नहीं, तो इस पर कुछ चेंज नहीं होगा, इसमें 20 20 20 20, तो चेंज आ गया 20 का, और इनकम में कितना चेंज हो रहा है भाई, 100 का, ठीक है? तो एमपीएस की वैल्यू एक तरह से अगर देखा जाए तो सब वैल्यू पे क्या आ गई, 0.2, एमपीएस की वैल्यू 0.2। तो शेड्यूल हमारा बन के रेडी हो गया। अब इसके अंदर एक चीज और आती है कि भाई एमपीएस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करती है, कहाँ से कहाँ तक लाइक करती है। तो फ्रेंड सीधी सी बात है, देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये हमको पता है। अब मान लो इनकम है हमारी 100, कंजम्पशन है हमारा 100 और सेविंग है हमारी 0, ठीक है? मान लो मेरी इनकम हो गई 200, कंजम्पशन मेरा 100 है और सेविंग मेरी 100 है, तो कितना चेंज हुआ सेविंग में 100 का और इनकम में 100 का, तो कितनी आ गई एपीएस की वैल्यू 1। इट इज क्लियर? अच्छा, अब एपीएस की वैल्यू 1 से कम होती है या 1 से ज्यादा होती है, इस चीज को भी समझते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इसी एग्जांपल पे रहते हैं, मान लो मेरी इनकम जैसे 100 थी और कंजम्पशन मेरा 100 हो गया, आपका सेविंग मेरी 0 हो गई, ठीक है? अब पहले समझते हैं एक से ज्यादा कब होगा, जब सेविंग में इनकम से ज्यादा चेंज होगा, जब सेविंग में इनकम से ज्यादा चेंज होगा। मतलब मान लो मेरी इनकम हो गई 200 और कंजम्पशन हो गया मान लो मेरा 80 प्लस 120, तो इट इज पॉसिबल। क्या ये इज पॉसिबल है फ्रेंड? जब हमारा 100 इनकम थी, जब हमारी इनकम 100 थी तो कंजम्पशन कर लेते 100, जब हमारी इनकम बढ़ गई तो कंजम्पशन अपना कम कर देंगे क्या? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो एमपीएस की वैल्यू एक से ज्यादा नहीं होगी, मतलब एक होगी और एक से कम होगी। इट इज क्लियर? एक से कम की होगी। अगर मान लो मैं कंजम्पशन अपना बढ़ा दूं और सेविंग कर दूं कम, तो एमपीएस की वैल्यू एक से कम हो जाएगी। अब एमपीएस की वैल्यू और 0 होगी। 0 कैसे होगी? मान लो भाई वाई इक्वल टू सी प्लस एस होता है, इनकम मेरी 100 है और कंजम्पशन मेरा 100 है, सेविंग मेरी 0 है, और इनकम मेरी 200 हो गई, कंजम्पशन मेरा 200 हो गया, सेविंग मेरी 0 रही, तो 0 अपॉन 100, तो 0 रहेगी। तो एमपीएस की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी फ्रेंड्स? 0 से 1 तक। ओके, तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये था आपका एमपीएस का टॉपिक। तो फ्रेंड्स हमारे सिलेबस में कुछ रिलेशनशिप भी है। किसकी रिलेशन? जो हमने अभी अभी पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने? एपीसी एमपीसी एपीएस एमपीएस, इनकी कुछ रिलेशन है, तो हम बात करेंगे उन रिलेशनशिप की। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले रिलेशन आती है हमारी एपीसी और एपीएस की। किसकी?
एपीसी और एपीएस की क्या रिलेशन है। तो देखो फ्रेंड्स, हमें पता है भाई वाई इक्वल टू सी प्लस एस होता है, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, ये बात हमको पता है, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया इसको वाई से, डिवाइड कर दिया इसको वाई से, इस पूरी इक्वेशन को। तो वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू सी अपॉन वाई प्लस एस अपॉन वाई। तो वाई से वाई क्या हो गया, कैंसिल, जिसकी वैल्यू आ गई वन। सी अपॉन वाई किसका फॉर्मूला पढ़ा था अभी अभी हमने, ए बी सी का, और एस अपॉन वाई किसका फॉर्मूला पढ़ा था अभी अभी हमने, ए बी एस का। तो क्या रिलेशन बनी कि भाई ए बी सी और ए बी एस मिलके, दोनों मिलके वन आएगा उसका आंसर, ए बी सी प्लस ए बी एस इज इक्वल टू वन। ये थी आपकी रिलेशन ए बी सी और ए बी एस की। अब फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, वो पूछ सकता है हमसे कि भाई प्रूफ करो ए बी सी प्लस ए बी एस इक्वल टू वन है क्या। तो हमको ऐसे प्रूफ करना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट हो गए, वी नो, यहाँ से लेके यहाँ तक का काम, ठीक है। ये थी आपकी रिलेशन, क्या इस पर वो आपको न्यूमेरिकल दे सकता है, ए बी सी की वैल्यू दे दी, ए बी एस पूछ सकता है, तो ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, ए बी एस की वैल्यू इजिली निकल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी दूसरी रिलेशन की। तो फ्रेंड दूसरी रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एम बी सी और एम पी एस, वो किसकी है, ए ए ए ए, ये किसकी है, एम एम, मार्जिनल मार्जिनल, और वो थी एवरेज एवरेज, ठीक है। कंसेप्ट दोनों सेम है, एवरेज एवरेज वाले एक साथ रिलेशन बना रहे हैं, मार्जिनल वाले एक साथ रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो भाई, अब हमें इसके अंदर भी पता है भाई y इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है, तो जब y इक्वल होगा c प्लस s के, तो डेल्टा y भी इक्वल होगा डेल्टा c और डेल्टा s के, ठीक है। तो देखो फ्रेंड, अब हमने इस वैल्यू को कर दिया डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा y, यहां करा था हमने y से डिवाइड, यहां कराया हमने डेल्टा y से डिवाइड। तो देखो फ्रेंड्स, डेल्टा y अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा c अपॉन डेल्टा y प्लस डेल्टा s अपॉन डेल्टा y, डेल्टा y से डेल्टा y कैंसिल, आंसर आ गया 1। डेल्टा c अपॉन डेल्टा y किसका फार्मूला था, mp c का, देखो फ्रेंड्स चेंज आ गया तो m, और c अपॉन y है तो p, प्रोपेंसिटी, और ऊपर आ गया सी तो सी लिख दो। अब इसके अंदर डेल्टा मतलब एम और पी, और ऊपर है एस तो एस लिख दो, ऐसे याद रखो वन इज इक्वल टू एम पी सी प्लस एम पी एस, हो गया प्रूफ। अब इसका क्वेश्चन भी ऐसे आ सकता है, प्रूफ करो एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल टू वन है, तो ये रहा एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल है वन के, ओके। तो ये थी आपकी दोनों रिलेशन, अब हम बात करेंगे आगे। आपको पहले ही बता रखा है सी बार ऑटोनोमियस कंजम्पशन, वो कंजम्पशन जो चेंज नहीं होगा, या वो कंजम्पशन जो किसी पे डिपेंड नहीं है। क्यों भाई, अगर मान लो यहाँ पर इनकम हो गई जीरो, वाई मतलब जीरो, वाई सॉरी वाई मतलब इनकम, अगर मैं जीरो की मल्टीप्लाई कर दूं किसी भी नंबर से तो जीरो ही आएगा, तो जीरो इनकम पे कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा, डेट इज सी बार ऑटोनोमियस कंजम्पशन, इनडिपेंडेंट कंजम्पशन, किसी पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। अब बी क्या है इसके अंदर, एम पी सी, चेंज कितना हुआ, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, वाई क्या है इनकम। अब फ्रेंड ये जो हमारा पार्ट है बी वाई वाला, फर्स्ट पार्ट हो गया सी बार, ये किसी पे डिपेंड नहीं है, बट बी वाई ये क्या है, डिपेंडेंट कंजम्पशन, क्यों भाई, ये इनकम पे भी डिपेंड है और ये एम पी सी पे भी डिपेंड है, ये दोनों चीज पे डिपेंड है, इसलिए इसको बोलेंगे डिपेंडेंट कंजम्पशन, ओके। तो फ्रेंड्स इसको याद रखना इक्वेशन को, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ये आपके न्यूमेरिकल में आएगी, इसके न्यूमेरिकल में कराऊंगा भी, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम सेविंग फंक्शन की, इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू माइनस एस बार प्लस एस वाई। अब एस क्या है इसके अंदर, ये वाला एस सेविंग, माइनस एस बार क्या है, ऑटोनोमियस सेविंग, इंडिपेंडेंट सेविंग, जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ होगी, इनडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड नहीं है। एस क्या है इसके अंदर, एम पी एस, छोटा एस,
क्या है एमपीएस और वाई क्या है इनकम। अब ये जो पार्ट है ये है डिपेंडेंट सेविंग, क्यों भाई ये वाई पे भी डिपेंड करेगा और एस पे भी डिपेंड करेगा, मतलब एमपीएस पे, तो ये क्या है डिपेंडेंट सेविंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके अंदर एक बात और है बताने वाली कि भाई ये जो सी बार है, ये जो सी बार है ये एस बार के इक्वल है, मतलब जितना कंजम्पशन पॉजिटिव में होगा उतनी सेविंग नेगेटिव में होगी, बट दोनों इक्वल होंगे। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं सी बार इज इक्वल टू माइनस एस बार। ओके, ये बात याद रखना, न्यूमेरिकल में काम आएगी। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड्स आपकी इक्वेशन कंजम्पशन फंक्शन की और सेविंग फंक्शन की। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक तो पढ़ा हमने इसके अंदर कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है उसके टाइप क्या थे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सेविंग फंक्शन, नहीं कंजम्पशन फंक्शन तो हमने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसके अंदर हमने पढ़ा है सेविंग फंक्शन, एमपीएस एपीएस, ठीक है, और रिलेशन पढ़ ली, इक्वेशन पढ़ ली। ओके, तो फ्रेंड्स अपनी इस वीडियो को खत्म करता हूँ, वरना लंबी हो जाएगी और आपको फिर मजा नहीं आएगा देखने में। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि मेरी कोई भी नई वीडियो होगी तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फ्रेंड्स।